हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये रीलोड माइंड का टैली का पहला बेसिक लेक्चर है, जिसके अंदर एक बार मैं आपको फिर से सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करवाऊंगा, जैसे कंपनी क्रिएशन, अकाउंटिंग, वाउचर एंट्रीज और डिस्प्ले रिपोर्ट में जाके हम बेटा कुछ बेसिक रिपोर्ट्स देखेंगे, ताकि आपको पता चले कैसे हम ये बेटा बेसिक चीजें टैली के अंदर डील करते हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम अपना खराब नहीं करते। तो आपका ये आज का पहला बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर हम रीलोड करेंगे अपने माइंड को, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट जो आप भूल चुके हो या आप एक बार रिवाइंड करना चाहते हो, माइंड को एक्सरसाइज करवाना चाहते हो, तो आज के इस लेक्चर के जरिए उसको हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप ये राइट साइड पे बेटा ग्रीन कलर के बटन देख रहे हो, डार्क ग्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी इन्फो। तो आपने कंपनी इन्फो में जाकर एक कंपनी क्रिएट करनी है। इसके लिए आपने या तो ऑल्ट एफ थ्री अपने कीबोर्ड से दबाना है, प्रेस करना है, कीबोर्ड से आप ऑल्ट एफ थ्री प्रेस कीजिए, या फिर आप यहां से ग्रीन बटन, ये कंपनी इन्फो जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेस कीजिए, तो कंपनी इन्फो खुल जाएगा। और यहाँ पे आपने क्रिएट कंपनी के अंदर जाना है और कंपनी क्रिएट करनी है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखोगे, हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, मेलिंग नेम, यानी कि जिस नाम पे हम कंपनी को चलाते हैं वो मेलिंग नेम यहाँ पे आएगा, जिस नाम पे सेल परचेज होती है। और उसके बाद हमारी कंपनी का एड्रेस जो है बेटा, हम यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बेटा कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम अपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका एक फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हैं या जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं। तो वैसे ही जब टैली के अंदर कंपनी क्रिएट होती है तो हमने बेटा ये बेसिक डिटेल डालनी होती है। स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम बेटा डालेंगे पिन कोड, और उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल देते हैं। ये टेलीफोन नंबर हम डालेंगे लैंडलाइन, यहाँ पे हमने लैंडलाइन नंबर डाल देना है। फिर हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर, चलिए ठीक डाल देते हैं, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमने फैक्स नंबर डाल देना है, जो भी कंपनी का फैक्स नंबर। ये ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, कंपनी की अपनी एक ईमेल आईडी होती है, जिसके जरिए वो इंटरनेट के जरिए अपना कुछ भी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन भेजनी होती है या रिसीव करनी होती है कर सकते हैं। और अगर कंपनी की बेटा कोई वेबसाइट बनी हुई है तो हम यहाँ पे वो वेबसाइट डाल देंगे, जैसे आपको पता है आजकल कंपनीज की वेबसाइट होती हैं, और ऊपर ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि कौन सी डेट से हमारा ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2017, यानी कि हम कब से ये बुक्स बनानी स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर आपको पता है नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो पहले फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये भी हम दोनों ही सेम डेट डाल देते हैं कि हमारी बुक्स भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से। और यहाँ पे आप टैली वॉलेट यानी के पासवर्ड डाल सकते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आप कंपनी खोलो तो कंपनी का आपका नाम भी किसी को पता ना चले, तो आप ये उसको वॉलेट, टैली वॉलेट पासवर्ड लगा सकते हो। कुछ करेक्टर डालने हैं यानी के अल्फाबेट, और पीछे नंबर डाल देने हैं, और यहाँ पे एक बार फिर से आपने करेक्टर और नंबर दोबारा से रिपीट कर देना है। और अगर आप चाहें यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल भी डाल सकते हो, ये भी पासवर्ड होता है, यानी के यूजर नेम, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी पासवर्ड होगा वो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये जब हम टैली खोलेंगे, पहले वो हमसे पूछेगा कि आप टैली वॉलेट डालिए तो हमारी कंपनी का नाम पता चलेगा, अगर हम टैली वॉलेट पासवर्ड डालते हैं तो हमारी कंपनी का नाम भी नजर नहीं आता, और अगर हम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो जब हमें कंपनी की डिटेल खोलनी है यानी कि टैली को खोलना है तो यूजर नेम और पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो ऐसे हम अपने जैसे मोबाइल के अंदर बेटा पासवर्ड लगा के लॉक कर देते हैं उसको, ऐसे ही हम ये टैली के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन को लॉक कर सकते हैं। तो ये यूज टैली ऑडिट फीचर ये डालने की जरूरत नहीं है। डिसलो ओपनिंग इन एजुकेशन मोड ये भी नो रखेंगे, इसके बाद और कोई भी ऑप्शन आपने फॉलो नहीं करनी, एंटर करते चले जाना है और आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो कंपनी खुलने से पहले देखिए वो आपसे टैली वॉलेट पासवर्ड मांग रहा है,
तो हम यहाँ पे पहले टैली वॉलेट पासवर्ड डाल देते हैं, और उसके बाद ये आपकी कंपनी का नाम ऊपर लिखा नजर आ गया कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, और उसके बाद बेटा हम अपना यूजर पासवर्ड डालते ही वो हमारी टैली को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हम यूजर पासवर्ड डाल देते हैं, तो ये कंपनी हमारी खुल चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे स्वास्थ्य कंप्यूटर सेंटर कंपनी का नाम लिखा नजर आ गया है। तो ऐसे हम बेटा कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, और अगर हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है और उसको सिलेक्ट करना है तो आपने F1 प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन बटन है F1 सिलेक्ट कंपनी के लिए, तो आप F1 प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपकी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कंपनी हमने कैसे सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद हम सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर अपना लेजर क्रिएशन करते हैं, क्योंकि हमें एंट्रीज डालनी है। एंट्रीज डालने के लिए हमें अकाउंटों को खोलना पड़ता है, और ये अकाउंट हमें अकाउंटिंग इन्फो के अंदर पहली ही ऑप्शन है बेटा, ये एक बार देख लीजिए। मास्टर्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो लिखा हुआ है मास्टर्स, और अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके आपने क्या करना है, लेजर के अंदर जाना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक अकाउंट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। जैसे कि हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं सेल अकाउंट, जैसे हम सेल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सेल अकाउंट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अंडर आपको पता है ये हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा अकाउंट किसके अंडर ओपन होगा। तो आपको पता है टैली में जितने भी अकाउंट खुलते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप के अंदर खुलते हैं। अगर आप भूल चुके हो कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में खुलता है, तो मैंने बेटा एक वीडियो डाल रखी है कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये लिस्ट भी डाल रखी है, और कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में खुलता है वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे हम ये ग्रुप के अंदर अकाउंटों को ओपन करते हैं। तो बेटा ये सेल अकाउंट, जैसे कि सेल अकाउंट में जाता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर डालते हैं, और ये करंट लायबिलिटीज जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं करंट एसेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म करंट एसेट जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट ओपन करते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ये सेल अकाउंट हम सेल के अंदर खोलेंगे, ऐसे ही परचेज अकाउंट परचेज के अंदर। तो इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड, ये हम नो रखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इन्वेंटरी की बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग यानी के बेसिक एंट्री की बात करेंगे, सिर्फ सेल परचेज यानी के विदाउट इन्वेंटरी की बात करेंगे। बस इतनी इंफॉर्मेशन डालकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। तो ऐसे आपने नेम के ऊपर अकाउंट का नाम लिखते चले जाना है और अंडर के अंदर उसका ग्रुप सिलेक्ट करते जाना है। तो मैंने कुछ अकाउंट पहले ही बना रखे हैं बेटा ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये लेजर क्रिएशन आपको आ चुकी है, डिस्प्ले के अंदर जाके बेटा आप अपने लेजर देख सकते हो कि कौन कौन से आपने लेजर बना रखे हैं। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कपिल, डेटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, और आपको पता है कि कंप्यूटर अपने आप जब आप कंपनी बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट जो है बेटा अपने आप बना देता है। बाकी सारे लेजर बेटा हम एक एक करके खोलते चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही अगर आप कोई लेजर अल्टर करना चाहते हो, अगर आपने कोई अकाउंट गलत बनाया है, तो आप अल्टर के अंदर जाके बेटा अल्टर भी कर सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीनरी अकाउंट गलत बनाया है, नाम गलत लिखा है, या हमने उसका ग्रुप गलत सिलेक्ट किया है, तो आप दोबारा से उसका ग्रुप ठीक करके बेटा सिलेक्ट कर सकते हो यानी कि करेक्ट कर सकते हो। तो कहानी आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर आप इकट्ठे लेजर क्रिएट करना चाहते हो, वन बाय वन की जगह अगर आपने एक एक करना है, लिखा हुआ है ऊपर सिंगल लेजर क्रिएशन और नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल लेजर क्रिएशन, इकट्ठे लेजर क्रिएट करने के लिए आप इकट्ठे क्रिएट में जाओगे और ऊपर अंडर ग्रुप ऑल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, या पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे आपको सन्ड्री डेटर के ग्रुप क्रिएट करने हैं तो आप सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से। जैसे मान लीजिए सन्ड्री डेटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बस नाम लिखते चले जाइए रवि अकाउंट, जितने भी आपने लेजर खोलने हैं, और यहाँ पे सन्ड्री डेटर अपने आप अंडर के अंदर देख सकते हो अपने आप लिखा नजर आएगा। ऐसे ही जितने मर्जी अकाउंट आप लिखकर नाम लिखकर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें ऑल आइटम
सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको पता है जो आपका ग्रुप है वो अलग अलग है। कैसे, जैसे मान लीजिए मशीनरी अकाउंट खोलना है आपको एक, या मान लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट खोलना है आपको, तो यहाँ पे आप बेटा ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पहले ही ग्रुप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे वो ग्रुप के अंदर अपने आप उस ग्रुप को डाल देगा, जैसे पहले उसने सन्ड्री डेटर डाल दिया था, यानी कि आपको ग्रुप सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं अगर आप पहले ही ऊपर ग्रुप का नाम लिख दोगे। लेकिन अगर आप ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हो, आपके अलग अलग ग्रुप हैं, कोई सन्ड्री डेटर में खुलेगा, कोई करंट एसेट में, कोई सेल में, तो ऊपर आप बेटा ऑल आइटम्स करके बेटा यहां से अपना ग्रुप सिलेक्ट करते जाइए और इकट्ठे अकाउंटों को क्रिएट कर सकते हो। बस याद रखना है कि जब भी आप ये मल्टीपल क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप ज्यादा डिटेल नहीं डाल सकते। जैसे हम नॉर्मली जब क्रिएट करते हैं वहां पे बेटा नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस भी, कंट्री भी, पैन नंबर सारा कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल क्रिएशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। लेजर क्रिएट करने के बाद बेटा हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हमने एंट्रीज डालनी है, तो आपको पता है मेन 5 वाउचर होते हैं, F4 कॉन्ट्रा एंट्री डालने के लिए, F5 पेमेंट की एंट्री डालने के लिए, F6 रसीट की एंट्री डालने के लिए, F7 जर्नल की एंट्री डालने के लिए, F8 सेल की एंट्री डालने के लिए, F9 परचेज की एंट्री डालने के लिए। तो ये बेसिक अकाउंट हमारे वाउचर हैं, अकाउंटिंग के वाउचर, जिसके अंदर आप एंट्रियां डाल सकते हो। तो पहले हम सेल की एंट्री डालेंगे। आप F8 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कपिल डेटर को हमने सेल की है, और ये येलो कलर की जो स्क्रीन आई है यहाँ पे आपको कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। और यहाँ पे नीचे डालिए बेटा सेल अकाउंट, क्योंकि हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे बेटा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होगा, ये देखिए पर्टिकुलर। जब हम बेटा आइटम्स की भी बात करेंगे यहाँ पे आइटम लिखा होगा, और अगर यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है तो आपने बेटा ये राइट साइड पे बटन देखिए आइटम इनवॉइस, अगर यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा नजर आ गया जहाँ पे पहले पर्टिकुलर लिखा हुआ था। अगर आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर लिखना चाहते हो, क्योंकि हमने आइटम्स तो डालनी नहीं, तो आपने यहाँ पे बेटा या तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट आई प्रेस कर देना है, या फिर ये जो बेटा ग्रीन बटन है इसके ऊपर बेटा आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा नजर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इसके बाद बेटा आपने आगे बढ़ना है, आगे बेटा यहाँ पे सेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। हम सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने 1 लाख की सेल की है इस कपिल को, तो क्रेडिट पे सेल की है, और बेटा हम एंट्री को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्री डाली है, इसमें हमने कोई भी बिल की बात नहीं की है, यानी कि बिल नंबर हम नहीं डालेंगे। जैसे आपको पता है हम बिल नंबर भी डालते हैं जब सेल करते हैं, कपिल डेटर का बिल नंबर वो अभी हम नहीं डाल रहे, क्योंकि जब हमने कपिल का अकाउंट बनाया था तब हमने बिल बाय बिल ऑप्शन को नो कर दिया था, यानी कि हमने बिल बाय बिल की बात नहीं करनी, उसकी बात आगे चल के करेंगे। तो ये सेल की एंट्री हमने सेव कर दी है। F9 के अंदर जाएंगे और हम बेटा परचेज की एंट्री डालेंगे, तो ये F9 प्रेस करते ही परचेज बेटा वाउचर खुल गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखना है, यहाँ पे हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखेंगे। जब भी हम परचेज करते हैं आपको पता है हमें एक बेटा बिल मिलता है सप्लायर से, जिससे हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिटर से, उससे हमें बिल मिलेगा, उसका बिल नंबर, और जो उस बिल के ऊपर डेट होगी यहाँ पे वो डेट डालेंगे। और जो आप यहाँ पे डेट देख रहे हो बेटा राइट साइड पे, जहाँ पे 1 अप्रैल 2017 सैटरडे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम वो डेट डालेंगे जिस दिन हम एंट्री डाल रहे हैं ये परचेज की टैली के अंदर। मान लेते हैं 2 अप्रैल को डाल रहे हैं, तो आपने F2 प्रेस करना है, तो ये छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपने 2 जिस डेट को आप एंट्री डाल रहे हो वो डेट डाल देनी है 2 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पे आपने ये जो डेट का छोटा सा लिखा हुआ है कॉलम बना हुआ है 1 अप्रैल 2017, यहाँ पे जो आपने डेट डालनी है वो जो बिल के ऊपर डेट होगी वो डालनी है। उसके बाद हम
राज कर एडिटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अभी आपको कोई इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं। और नीचे हम ये परचेज अकाउंट यानी कि मान लेते हैं 20,000 की हमने परचेज की है और ये परचेज की एंट्री को हम डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हमने ये परचेज की एंट्री को डालना है F9 के अंदर। तो चलिए अब बेटा हम मान लेते हैं पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं ये जो क्रेडिटर है राज क्रेडिटर, इसको पेमेंट करनी है हमने। तो हम बेटा ये पेमेंट वाउचर में आएंगे। तो ये सिंगल मोड है बेटा, पेमेंट का सिंगल मोड वाउचर है। सिंगल मोड का मतलब ऊपर हम अकाउंट का नाम देंगे कि हमने जो पेमेंट की है वो कैश में की है या SBI बैंक के जरिए, और नीचे हम राज का नाम लिख देंगे जिसको हमने पेमेंट की है, राज क्रेडिटर, और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। मान लेते हैं 30,000 की हमने इसको, या 10,000 लगा लीजिए, 30,000 की जगह हमने इसको 10,000 की पेमेंट की है चेक के जरिए, और यहाँ पे चेक नंबर 6 करेक्टर का चेक नंबर होता है बेटा, तो यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई कैसे हम ये पेमेंट की एंट्री डालते हैं। ये बेटा जो आप एंट्री डाल रहे हो ये सिंगल मोड में एंट्री है, यानी कि ऊपर हम अकाउंट जो अगर कैश में पेमेंट है तो कैश अकाउंट, अगर हमने बैंक के जरिए पेमेंट की है तो हम बैंक का नाम डालते हैं और नीचे राज क्रेडिटर। लेकिन अगर आप सिंगल मोड की जगह डबल मोड में एंट्री डालना चाहते हो तो आप बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे F12 प्रेस कीजिए तो ये ग्रे स्क्रीन ओपन होगी। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, ये आपने बेटा नो कर देना है कि हमने सिंगल मोड में एंट्री नहीं डालनी, हमने डबल मोड यानी के हमने बाय 2 से एंट्री डालनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे बाय लिखा गया, तो हम राज ट्रेडर को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट की है 10,000। ये एंट्री आपको आनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना है जब भी हम पेमेंट करते हैं जिसको पेमेंट किया उसको डेबिट करेंगे, और अगर कैश में पेमेंट की है कैश को क्रेडिट, और अगर बैंक के जरिए पेमेंट की है बैंक को हम क्रेडिट करते हैं, और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई कैसे हम पेमेंट करते हैं। ऐसे ही हम रसीट वाउचर में एंट्री डालेंगे, इसमें भी हम बेटा 2 और बाय से एंट्री डाल सकते हैं या फिर सिंगल मोड में। पहले हम 2 बाय से एंट्री डाल देते हैं। तो मान लेते हैं हमने ये पेमेंट रिसीव की है कपिल डेटर से, मान लेते हैं 60,000 की पेमेंट हमने कपिल डेटर से मान लेते हैं रिसीव की है, और हमने ये पेमेंट SBI बैंक के जरिए रिसीव की है। तो हम यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, 60,000 की पेमेंट ये हमने रिसीव की है SBI बैंक के जरिए, और यहाँ पे हम बैंक का नाम लिखेंगे किसका बेटा, कपिल डेटर का, क्योंकि वो हमें चेक देगा जो उसके बैंक का नाम होगा यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं एक्सिस बैंक के जरिए उसने पेमेंट की है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक बैंक नेम, यहाँ पे लिख देंगे एक्सिस बैंक, तो उसने जो हमें चेक दिया है वो एक्सिस बैंक का दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ये रिसिट की एंट्री हमने डाल दी है। ऐसे ही हम बेटा अब कॉन्ट्रा की एंट्री डालेंगे। कॉन्ट्रा के अंदर बेटा आपको पता है हम एंट्री कब डालते हैं, जब हम बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक में से पैसे विड्रॉ करवाते हैं। तो अगर बैंक में पैसे आप डिपॉजिट करवाओगे तो कैश क्रेडिट होगा, तो 2 कैश करेंगे। मान लेते हैं 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं और बाय SBI बैंक, बैंक को हम बेटा डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बेटा इस 2 और बाय में भी एंट्री डाल सकते हो, या F12 प्रेस करके, ये सेकंड ऑप्शन है, सिंगल मोड में आप अगर एंट्री डालना चाहते हो यस कर दीजिए तो आप सिंगल मोड में भी एंट्री को डाल सकते हो। और ये सिंगल मोड है, और सबसे ऊपर जो आपने अकाउंट का नाम लिखना है, जो अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो बेटा, अगर मान लीजिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, हम एंट्री डालते हैं SBI बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, तो ऊपर SBI बैंक लिखेंगे, और अगर कैश विड्रॉ करवाया है बैंक में से तो हम एंट्री डालते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ऊपर हम बेटा कैश का नाम लिखेंगे, नीचे बैंक का नाम आएगा। तो यानी जो अकाउंट डेबिट है उसका नाम ऊपर, जो अकाउंट क्रेडिट है उसका नाम नीचे आएगा। तो आप ऐसे बेटा एंट्री डाल सकते हो। जब बेटा आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाओगे तो ये डिनोमिनेशन पूछेगा कि आपने जो पेमेंट की है उसमें 2,000 के कितने बेटा नोट डिपॉजिट करवाए हैं। मान लेते हैं 1
2000 का था, बाकी 1000 के, तो ये टोटल 5000 अमाउंट हमने बना दी है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई, कॉन्ट्रा में हम एंट्री कैसे डालते हैं। और इसके बाद बेटा हम F7 के अंदर एंट्री डालेंगे, जर्नल वाउचर के अंदर। तो जर्नल वाउचर में हम एंट्रियां बेटा वो डालते हैं जो ना तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाती हैं, ना ही पेमेंट वाउचर में, ना ही रिसिप्ट वाउचर में, ना ही सेल से रिलेटेड होती हैं, ना ही परचेज से। तो बाकी जो एंट्रियां बच जाती हैं, जो बाकी के बेटा जो 5 वाउचर अभी हमने डिस्कस किए उनमें जो एंट्रियां नहीं जाती, जो बाकी वाउचर बच गए हैं, बच गया ये जर्नल वाउचर, जो बाकी एंट्रियां बच जाती हैं वो इस जर्नल वाउचर के अंदर हम डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला, जैसे मैं आपको एंट्री डाल के दिखाता हूँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आपको बनाने आते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि कैसे ये हम बेटा एंट्रीज को डालते हैं जर्नल वाउचर के अंदर। तो अगर आप ये जानना चाहते हो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से हेड के अंदर खुलेगा, तो इसकी मेरी अलग वीडियो होगी, तो आप उसको देख सकते हो कि कौन से अकाउंट के अंदर बेटा, यानी कि हमारा कौन सा अकाउंट किस हेड के अंदर खुलता है, उसका ग्रुप क्या होता है। तो ये हम एंट्री डाल देते हैं, 2000 मान लेते हैं डेप्रिसिएशन लगी है मशीनरी के ऊपर, और यहाँ पे 2 करेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बेटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री आप देख सकते हो हमने डाल दी है। और इस एंट्री को ध्यान से देखिए बेटा, इस एंट्री के अंदर ना तो कोई हमने पेमेंट की है, ना ही कोई रिसिप्ट की है, देख सकते हो, ना ही कैश या बैंक डेबिट है, ना ही क्रेडिट है, ना ही ये सेल की एंट्री है, ना ही परचेज की एंट्री है, ना ही कॉन्ट्रा की एंट्री है। इसीलिए हमने इस एंट्री को जर्नल में डाल दिया, यानी कि जो एंट्रियां बाकी वाउचर में नहीं जाती वो एंट्रियां जर्नल वाउचर में हम डाल देते हैं। तो चलिए कहानी क्लियर है आपको। तो ये तरीका था बेटा इस जर्नल वाउचर के अंदर एंट्रीज डालने का। और ये अकाउंटिंग वाउचर में कैसे एंट्रीज डालते हैं, कौन कौन से वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज डलेंगी, तो ये बेसिक कहानी मैंने आपको बताई। इसके बाद बेटा आप अगर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आपने डिस्प्ले के अंदर जाना है। तो ये नीचे ऑप्शन है डिस्प्ले की, लिखा हुआ है ये देखिए रिपोर्ट, ये देखिए लिखा हुआ है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपको नीचे डिस्प्ले के अंदर जाना है, और इसके अंदर आप बेटा रिपोर्ट देख सकते हो, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हो, जितने भी हमने अकाउंट ओपन किए हैं उनके बैलेंस, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ट्रायल बैलेंस, यानी कि जितने भी हमने अकाउंट ओपन किए थे उनके बैलेंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ये ग्रुप वाइज बेटा हमें बैलेंस दिखा रहा है, सेल अकाउंट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। अगर आप लेजर वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये बेटा ग्रीन बटन पे आपने क्लिक करना है लेजर वाइज, तो ये F5 आप प्रेस करोगे, या इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, या F5 प्रेस कर दीजिए, तो आपको आपके जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं आपने उनके बैलेंस आपको नजर आएंगे। जैसे कि देख सकते हो कैश का बैलेंस 19,000, डेप्रिसिएशन 5,000, कपिल डेटर, मशीनरी अकाउंट। अगर आप बेटा किसी भी अकाउंट के ऊपर रख के एंटर करोगे तो आपको ये बेटा मंथ वाइज उसकी डिटेल बताएगा कि कौन से मंथ में कितना डेबिट हुआ है। जैसे ये कपिल डेटर है, 2,60,000 डेबिट हुए हैं अप्रैल में, और 1,80,000 क्रेडिट हुए हैं, और ऐसे ही मई में, जून में, जुलाई में कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई है, डेबिट हुई है, वो आपको मंथ वाइज दिखाएगा। अगर आप बेटा इस अप्रैल के ऊपर अपना कर्सर रखकर एंटर करोगे तो आपके सामने ये कपिल डेटर अकाउंट ओपन कर देगा। तो जैसे कि देख सकते हो इसने कपिल डेटर अकाउंट आपके लिए ओपन कर दिया। अब आपको ये बता रहा है कि कपिल को हमने सेल की हुई है, कपिल ने हमें पैसे दिए हैं बैंक के जरिए, पेमेंट की है, और हमें उसने कैश दिया है, उसने यानी कि हमें कैश दिया है। और नीचे देखिए ये बेटा, ये आपका डेबिट का टोटल 2,60,000, और ये क्रेडिट का टोटल 1,80,000, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि डेबिट टोटल में से क्रेडिट माइनस करके ये आपका बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपने बेटा इस में से किसी भी एंट्री के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो आप उस पे एंटर करके उसकी एंट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उस एंट्री के अंदर आप बेटा कोई भी चेंजेस करना चाहें, कोई अमाउंट चेंज करनी है, या अकाउंट में आपने कोई गड़बड़ की है, तो वो आप चेंजेस कर सकते हो। और इसके बाद आप एस्केप बटन प्रेस करते जाइए, आप बेटा इस ट्रायल बैलेंस में वापिस आते चले जाओगे, और अगर एस्केप करोगे तो ट्रायल बैलेंस से बाहर आ जाओगे। और
डे बुक के अंदर जाके बेटा जितनी भी आपने एंट्रियां डाली हैं टैली के अंदर वो आप देख सकते हो। पर्टिकुलर डे की भी, जैसे 1 अप्रैल की देखनी है तो आपने F2 प्रेस करके, F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है 1 अप्रैल, तो आप ये 1 अप्रैल की एंट्रियां देख सकते हो। अगर आपने पर्टिकुलर पीरियड की एंट्रियां देखनी है, जैसे 1 अप्रैल से 1 मई तक, यानी कि 1 महीने की एंट्रियां देखनी है, तो आपने ऑल्ट F2 प्रेस करना है। यहाँ पे 1 अप्रैल और नीचे आएगा बेटा 1 मई, हम डालेंगे कि हमें कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक, तो ये ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है, ये आपको 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बेटा बिटवीन हमने जितनी भी एंट्रियां डाली हैं वो सारी एंट्रियां हमें ये क्या कर रहा है बेटा, दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम ये बेटा डे बुक के अंदर एक पर्टिकुलर डे की एंट्रियां भी देख सकते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड की एंट्रियां भी देख सकते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर आपने जितने भी बेटा ये अकाउंट क्रिएट किए हैं यहाँ पे आके उनकी डिटेल आप देख सकते हो। तो ये मेन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये अकाउंट बुक्स का रिपोर्ट आप जो देख रहे हो, कैश बुक है, लेजर है, ग्रुप समरी है, ग्रुप वाउचर है, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर है, जर्नल रजिस्टर, तो पूरे हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स की डिटेल है आप यहाँ पे आके बेटा देख सकते हो। जैसे हम कैश और बैंक बुक को खोलेंगे, यहाँ पे आपको कैश अकाउंट दिखा रहा है, 19,000 का बैलेंस है। अगर आप कैश अकाउंट पे एंटर करोगे तो ये आपको बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हर महीने में कितना हमने कैश रिसीव किया है, यानी कि डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है वो बताएगा। अगर आप अप्रैल या मई किसी मंथ के ऊपर एंटर रख कर बेटा कर्सर अपना एंटर करोगे तो ये आपके सामने उस मंथ की क्या निकाल देगा डिटेल, कि ये देखिए 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपकी कैश अकाउंट से रिलेटेड कितना कितना डेबिट हुआ है और कितना कितना क्रेडिट। और ये आपने जैसे देख सकते हो SBI के जरिए रसीट की है, सैलरी की पेमेंट है, राज क्रेडिटर को पेमेंट है, SBI बैंक से पेमेंट है, तो ये सारी डिटेल आपको दिखेगी। तो ये कैश अकाउंट देख सकते हो आप और एस्केप करने पे आप वापस आ जाओगे। तो ऐसे ही आप SBI बैंक की भी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये SBI बैंक की डिटेल है अप्रैल के मंथ की, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी मंथ की भी बेटा आप डिटेल देख सकते हो। अगर आप अप्रैल पे एंटर करोगे तो ये आपको SBI बैंक का अप्रैल के पूरे महीने की आपको डिटेल बता रहा है, जो आपने बैंक के जरिए पेमेंट्स की हैं या बैंक के जरिए आपने रिसीट की हैं। और नीचे आप देख सकते हो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है बैंक का। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ में आई। ऐसे ही अगर आप बेटा कैश बुक की बाद लेजर के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जो बाकी लेजर हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट आपने बैलेंस देखना है, उसकी डिटेल देखनी है, कपिल डेटर जिसको हमने सेल की है इसकी डिटेल आप देख सकते हो, कौन कौन सी हमने इसको सेल की है, कितने सेल हुई है, कितनी पेमेंट इसने हमें कर दी है, और नीचे आप देख सकते हो कितने बेटा बैलेंस अमाउंट जो हमने इस कपिल डेटर से बेटा रिसीव करने हैं, ये सारी डिटेल आपको इस अकाउंट से मिल जाएगी। कपिल का ये डेटर अकाउंट है। तो बेटा जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पर्टिकुलर अकाउंट की, तो हम बेटा इसी के अंदर आते हैं लेजर के अंदर। तो यहाँ पे आके किसी भी अकाउंट की, जैसे ये राज क्रेडिटर है, तो आपको पता चलेगा कि राज क्रेडिटर से हमने कितनी अमाउंट की गुड्स परचेज की हैं, जैसे 50,000, 20,000, 10,000 हमने इसको पेमेंट की है, 25,000 की, फिर हमने 5,000 की पेमेंट की, फिर परचेज है, फिर कैश पेमेंट है 10,000 की, तो पूरी राज की डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से बेटा हम ये किसी भी अकाउंट के डिटेल देख सकते हैं। आगे चलिए बेटा ग्रुप समरी। ग्रुप समरी के अंदर जाकर बेटा आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी अकाउंट आते हैं, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप है, आपको पता है टैली के अंदर ग्रुप होते हैं, फिक्स एसेट ग्रुप है, एक्सपेंसेस जैसे देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर बेटा जितने भी हमारे अकाउंट हमने ओपन किए हैं इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ये देखिए ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, स्वास्थ्य कंप्यूटर सेंटर के ऊपर नाम लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये बेटा हमने
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं उनकी लिस्ट आ गई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी उनके बैलेंस आ गए हैं, और नीचे ये सैलरी पेड अकाउंट, अगर आप इनके ऊपर एंटर करोगे तो ये आपको वही कहानी अप्रैल मई जून जुलाई हर महीने की आपको बताएगा कि कौन से मंथ में हमने कितनी अमाउंट डेबिट हुई है, कितनी क्रेडिट, अगर एंटर करोगे तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, तो आप बेटा किसी भी ग्रुप की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि हम फिक्स एसेट की देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फिक्स एसेट है। मशीनरी अकाउंट है तो इसका बैलेंस हमें यहाँ पे दिखाएगा, जितने भी हमने बेटा अकाउंट खोले हैं इस फिक्स एसेट ग्रुप के अंदर, ये देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है फिक्स एसेट, इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपने अकाउंट खोले हैं उनकी डिटेल आपको दिखाएगा। तो कहानी क्लियर है कि ग्रुप समरी में आप पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी अकाउंट हैं उसके बैलेंस और उनकी डिटेल मंथ वाइज और उनकी टोटल डिटेल देख सकते हो। और आगे है बेटा ग्रुप वाउचर। ग्रुप वाउचर का मतलब ये है बेटा, जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे, मान लेते हैं मैं एक्सपेंसेस का ग्रुप वाउचर खोल लेता हूं, तो आपको ये बताएगा कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कितनी एंट्रियां डाली हैं। आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम सैलरी अकाउंट खोलते हैं, रेंट अकाउंट खोलते हैं, वेजेस अकाउंट यानी के और डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं। तो बेटा हमने जो भी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खोले हैं, ये जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इस अकाउंटों से रिलेटेड यानी के ये जो डेप्रिसिएशन है, सैलरी है, एक्सपेंसेस है, इनसे रिलेटेड जितनी भी हमने एंट्रियां डाली हैं वो सारी एंट्रियां आपको इस बेटा ग्रुप वाउचर के अंदर यानी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो ये ग्रुप वाउचर है इसमें नजर आएंगी। जैसे हमने ये कैश पेमेंट की एंट्री डाली है, देख सकते हो आप सैलरी पे की है हमने, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसीलिए हमें ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में ये एंट्री नजर आ रही है। मशीनरी डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी, तो ये एंट्री भी हमें इस इनडायरेक्ट ग्रुप वाउचर में नजर आ रही है। यानी के जितने भी हमारे अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपन हुए हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो सारी एंट्रियां हमें यहाँ पे नजर आएंगी। ऐसे ही अगर आप जिस ग्रुप को सिलेक्ट करोगे उस ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं वो आपको बेटा इस डिटेल के अंदर आपको नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया अगर हमने ग्रुप वाउचर एंट्रीज देखनी है। और नेक्स्ट बेटा ये सेल रजिस्टर है जिसके अंदर आपको पूरी सेल की कहानी पता चलेगी कि आपने हर महीने अप्रैल के महीने में टोटल कितनी सेल की है। आपको पता है सेल क्रेडिट होती है, तो टोटल सेल 2,60,000 की क्रेडिट आप देख सकते हो मई के महीने की, जून के महीने की, जितनी भी सेल हमने की है हर महीने के अंदर वो आपको टोटल सेल यहाँ पे नजर आएगी। और अगर हम अप्रैल के महीने की सेल देखना चाहते हैं तो आपने अप्रैल के ऊपर एंटर करना है, तो ये अप्रैल के महीने की आपको टोटल सेल नजर आएगी जो हमने अप्रैल के महीने में की है। जिस पर्सन को भी की हो, राम को, श्याम को, मोहन को, सभी की टोटल सेल यानी के वाउचर वाइज, ठीक है, हर वाउचर की डिटेल नजर आएगी। कपिल को हमने सेल की है पहले 10,000 की, फिर 1,00,000 की, फिर 50,000 की, फिर 1,00,000 की, तो जितनी भी सेल हमने अपने डेटर्स को की है वो सारी सेल हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। और ऐसे ही परचेज रजिस्टर के अंदर परचेज की डिटेल, तो परचेज डेबिट होती है, तो ये डेबिट साइड आपको बता रहा है कि अप्रैल के महीने में हमने 1,20,000 की सेल की है, और ये हमने क्रेडिटर राज है जिसको पहले 50,000 की, फिर 20,000 की, फिर 10,000 की, फिर 20,000 की, फिर 20,000 की हमने उससे क्या की है बेटा, परचेज की है। तो कहने का मतलब हमने राज क्रेडिटर से क्या की है बेटा, परचेज की है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हमें परचेज रजिस्टर से परचेज की सारी टोटल परचेज पर मंथ के हिसाब से सेल रजिस्टर के अंदर टोटल सेल पर मंथ के हिसाब से हमें मिलती है। और बेटा आज के हमारे इस रीलोड माइंड लेक्चर के अंदर ये लास्ट हम ऑप्शन करने जा रहे हैं, तो जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई मुझे उम्मीद है आपके माइंड में दोबारा से रीलोड हो गई होंगी और आपको एक बार दोबारा से पता चल गया कि कैसे हम बेटा कंपनी क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर एंट्री डालते हैं, और बेटा
हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो आज के इस बेसिक लेक्चर से, पहले लेक्चर से आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। तो ऐसे ही बेटा आने वाले टाइम में मैं आपको और भी देता रहूंगा इस तरह के लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर के जरिए आप और मेरे डिटेल जान सकते हैं, अपने माइंड में रीलोड कर सकते हैं कि कैसे हम बेटा टैली के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जिससे हम किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। तो बेटा लास्ट टॉपिक ये जर्नल रजिस्टर, जिसके अंदर हमें सारी जर्नल की एंट्रियां मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल के महीने में हमने 3 जर्नल एंट्रियां डाली हैं। तो अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी डाली हुई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो चुकी है कि कैसे हम ये बेटा कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम बेटा अकाउंटिंग वाउचर एंट्री कैसे डालते हैं और डिस्प्ले के अंदर जाकर हम बेसिक रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। तो आज की बेटा ये स्टोरी यहीं तक रहेगी, बाकी की बातें हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये रीलोड माइंड लेक्चर बेटा जो टैली से रिलेटेड है वो लेक्चर देखते रहिए ताकि आपका माइंड रीलोड होता जाए और आपके माइंड में ये सारी बातें एक बार फिर से स्टोर हो जाए कि कैसे हम टैली के अंदर बेटा ट्रीटमेंट करते हैं और कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं।